नमस्कार। प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार भरपूर कवायद कर रही है। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ, मंथन हुआ, तमाम राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया, हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक स्वच्छता संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प से ही आती है। उधर हरियाणा की बात करें तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 3 जिले खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं और अक्टूबर 2017 तक प्रदेश के सभी जिले भी कुछ इसी तरीके से शौच मुक्त हो जाएंगे। इस पूरी कवायद के बीच इंडिया न्यूज हरियाणा ने खुले में शौच मुक्त हो चुके जिलों और अन्य जिलों में सच की पड़ताल भी की। क्या वाकई स्वच्छता अभियान का धरातल पर असर है या फिर ये तमाम बातें हवाई हैं? अब बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में कितना कामयाब हुआ अभियान और क्या वाकई खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं कुछ जिले और कुछ और होने के लिए तैयार हैं? क्या स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? यह भी एक अपने आप में अहम सवाल है। समाज के सामने भी, समाज को भी इस पर सोचना पड़ेगा। हर काम सरकार नहीं करती। इन तमाम अहम सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। हम बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से, जो उन्होंने दिल्ली में हुए स्वच्छता अभियान पर मंथन के दौरान दिया। जो स्वच्छता केंद्रीय है और उसी के तहत आज इस एंडोसैन का कार्यक्रम हो रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि किसी को भी गंदगी पसंद होती है, किसी को भी नहीं होती है। लेकिन स्वच्छता का स्वभाव नहीं बनता है, यह ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जिस कॉन्ट्रास्ट को हमने उस दूरी को कम करना है। गंदगी के प्रति एक नफरत का माहौल पैदा होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल के लिए स्वच्छता जैसा कार्यक्रम लेने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हर पल गंदगी की संभावना होती है। और आजकल तो हर एक मोबाइल फोन के अंदर कैमरा है, तो फोटो निकलने की और प्रचारित करने की भी संभावना रहती है, तो डर लगता है कि यार ऐसा करो, इसको छुपा के रखो, बाकी बातें करें। लेकिन इन दिनों राजनेता बहुत पीछे छूट गए हैं, राजनीतिक दल भी बहुत पीछे छूट गए हैं, जनता बहुत आगे निकल चुकी है। वहीं स्वच्छता अभियान पर आयोजित बैठक में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करने पहुंचे। स्वच्छता अभियान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार लक्ष्य पूरा करने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। देशभर के सब लोगों को बुला करके आज एक भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत बड़ा एक सेमिनार था, एक सम्मेलन था, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन रहा उसमें, और देशभर में बहुत प्रांतों ने बड़ा उल्लेखनीय काम किया, उनको पुरस्कृत भी किया गया है और आगे की योजना भी बनी है। आने वाले अक्टूबर 2019 तक, जो महात्मा गांधी जी का 150वां वर्ष जयंती है, जयंती वर्ष है, उस समय तक पूरा देश एक स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो अपने टारगेट थे कि उसको पूरा करेगा, ऐसा एक संकल्प आज दोहराया गया है। हम लोग 22 जिलों में से 3 जिले हमारे ODF हो गए हैं और 5 जिले 1 नवम्बर 2016 तक ODF हो जाएंगे, और बाकी जितने जिले हैं वो अगले 2017 अक्टूबर तक सभी ODF हो जाएंगे। शहरों में भी ये काम तेजी से चल रहा है। जितने भी व्यक्तिगत शौचालय बनाने का विषय है उसमें हम अनुदान दे रहे हैं, शहरों में अलग दे रहे हैं, शहरों में भी दे रहे हैं, गांव में भी दे रहे हैं। इस 80% हमारे जो व्यक्तिगत शौचालय हैं, लैट्रिन, पर्सनल लैट्रिन जो बनाई गई हैं, इसका टारगेट 100% है, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। अब ये तो बात हो गई सरकार की, सरकार की बात, उनका वक्तव्य आपने सुन लिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हाँ असल में राजनेता पीछे रह गए लेकिन जनता आगे निकल चुकी है, क्या जनता भी इसको समझ पाई है, महसूस कर पाई है, अपना जुड़ाव कर पाई इस अभियान से, तस्वीर कैसे बदली है? हमने प्रदेश में स्वच्छता का जो सच है उसको जानने के लिए अलग अलग जिलों के स्थानीय लोगों से बातचीत की। सबसे पहले सिरसा के लोगों के जरिए स्वच्छता का सच जानिए।
दो सालों में स्टार्टिंग में इतना स्वच्छता अभियान पे इतना जोर नहीं था, लेकिन लास्ट वन ईयर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो रोड्स वगैरह पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मोदी सरकार के दो साल के पीरियड के अंदर हर सामाजिक संस्था, जैसे भी शहर की, गांव की, पंचायत है, उसमें हर आदमी जागरूक हुआ है, गंदगी से नफरत करने लगा है, हर आदमी कूड़ा करकट उठाकर उस डस्टबिन में डालने लगा है। जी तो सिरसा के लोगों की राय तो आपने सुन ली, फरीदाबाद जो कि स्मार्ट शहर है वहां के हालात क्या है वो भी सुनिए जरा। हरियाणा की सरकार हरियाणा को शौच मुक्त बनाने के अभियान में लगी हुई है और कोशिश है कि इस अभियान को पूरा कर दिया जाए। सरकार इस अभियान को कितना कारगर लेकर जाएगी और कितना ये अभियान कारगर होगा, क्या हरियाणा शौच मुक्त हरियाणा हो पाएगा, उसको लेकर फरीदाबाद की जनता क्या सोचती है, आइए बात करते हैं फरीदाबाद की जनता से, क्या कहना है उनका इस विषय पर। क्या हरियाणा सरकार की जो योजना है शौच मुक्त हरियाणा कितनी सफल हो पाएगी और कितनी सफल हुई है इसमें? ये समय की पुकार है, इस टाइम बहुत ज़रूरी है और हम ये चाहिए कि हर आदमी को सहयोग देना चाहिए और हर व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना चाहिए और इस वक्त ज़रूरत है हरियाणा में शोर विहार करने के लिए। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और ये इंसान पे भी डिपेंड करनी चाहिए, खुले में ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बिल्कुल सफल हो पाएगी, जो सरकार की नीति है एकदम बेस्ट नीति है, ये 100% सफल हो पाएगी, 100%। ऐसा है, जनता चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है और सरकार का साथ भी दे सकते हैं और इसमें खुले में सोच, सब लोगों की सोच होनी चाहिए कि खुले में सोच नहीं होना चाहिए और सबके घरों में शौचालय होने चाहिए। जी फरीदाबाद की जनता बिल्कुल सहमत है सरकार के शौच मुक्त हरियाणा की योजना से और सभी का मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हरियाणा को शौच मुक्त हरियाणा के रूप में देखना चाहते हैं सभी लोग। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं भिवानी के लोगों का क्या कहना है जरा वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साल पहले शुरू किया गया स्वच्छता अभियान भिवानी में टाई टाई फीस होता दिख रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें भिवानी के सर्कुलर रोड की हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको नेकलेस भी कहा जाता है शहर का, ये सर्कुलर रोड है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। एक साल पहले भी दावे किए गए थे कि शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा, पूरी तरह से गंदगी मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी पर्याप्त दिखाई देती हैं कि किस तरह से शहर को यहाँ पर गंदगी मुक्त बनाया गया है। तस्वीरें बयां भी कर रही हैं कि गंदगी को, कूड़े को बाहर ही डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे इस गंदगी और कूड़े को लेकर प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाई? ऐसा है कि जो कमेटी वाले आते हैं, वो कमेटी वाले जब आते हैं तो कूड़े को ऐसे ही फेंक जाते हैं दाएं बाएं, उनको बल्कि कूड़े को इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, जो वो नहीं डाल पाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैनेजमेंट जो है कचरे का वो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं और क्लीनलीनेस बिल्कुल भी नहीं है। मुहिम तो सिर्फ बातों में ही चलाई गई है सर, इसका वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है इसका, ये वैसे के वैसे ही गंदगी है, बस अखबारों में किताबों में दिखाया गया है कि सफाई अभियान चलाए गए हैं। सर यहाँ पे आते जाते वक्त लोगों को बदबू आती रहती है और लोग परेशान होते रहते हैं और इसकी वजह से जो पशु हैं वे भी घूमते रहते हैं, हमारा पशु, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। चलिए तो ये आपने तमाम जगहों की प्रतिक्रियाएं सुन ली, बहुत जल्दी से सवाल एक नजर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में कितना कामयाब हुआ है स्वच्छता अभियान और क्या हकीकत आज के दौर की है, इसको हम पड़ताल करेंगे सवाल के जरिए। क्या वाकई खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं जिले या कुछ और जिले इसके लिए तैयार हो गए हैं? क्या स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, ये भी एक सवाल, क्योंकि ये मसला प्रधानमंत्री की अपील से इन जोड़कर देखें तो खुद आम जनता के जरिए ही काम हो पाएगा, सिर्फ बजट से काम नहीं होता है, इसके लिए अभियान में हर एक व्यक्ति की भूमिका, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली में इस वक्त सुभाष शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सुभाष शर्मा साहब आपका। मेरे साथ सत्यप्रकाश जरावता साहब हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका जरावता साहब, और अरविंद भारद्वाज साहब प्रवक्ता इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। दो और मेहमान हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत हम करते हैं सुभाष शर्मा साहब आपसे, एक पत्रकार के तौर पर हम लोग लगातार इन चीजों पर चर्चा भी करते रहे, अपनी कोशिश भी करते रहे, मीडिया के बीच में क्या भागीदारी होनी चाहिए, कितनी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं,
सफलता मिल सकती है, वो भी हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज की तिथि में दो मसले, स्वच्छता अभियान, एक अभियान जिसमें सबकी भागीदारी, और शौच मुक्त जो हरियाणा या पूरा प्रदेश या पूरा देश उसका जिक्र होता है, इन दोनों को अगर हम चर्चा में देखें, आज प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बात कही कि दरअसल राजनेता कहीं पीछे छूट गए, जनता आगे निकल गई। तीन जगहों की प्रतिक्रियाओं में दो जगहों से तो कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। जी, ऐसे है कि सरकार ने या मोदी जी ने जो ये शुरुआत करी, ये अभियान तो बहुत अच्छा किया कि लोगों को एक जागरूक किया, अवेयरनेस आई कि हमें सफाई रखनी चाहिए, शौच मुक्त होना चाहिए। पर शौच मुक्त जो शौचालय बनने थे उसके लिए जो बजट तय होना था, वो जो एक सर्वे हुआ था इकोनॉमिक्स टाइम ने किया था, उसके मुताबिक ये था कि 1,96,000 करोड़ रुपया 5 साल में केंद्रीय सरकार को देना होगा, बाकी राज्य अपना हिस्सा देंगे। कुछ प्राइवेट कंपनियों के जिम्मे डाला था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कुछ देंगी। पिछले एक साल में उन्होंने 4600 करोड़ रुपया दिया भी है, पर उनका मुनाफा कम हो गया, अब वो कम दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमारी हरियाणा की, जहां तक बात करें हम, कि हरियाणा के अंदर क्या शौच मुक्त या स्वच्छता अभियान कितना सक्सेस हुआ है, सबसे बड़ा है कि आप हरियाणा के अंदर, मैं समझता हूं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए अपने सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ करें। आज भी आप किसी भी शहर के जो लघु सचिवालय बने हुए हैं, जो हरियाणा के तमाम जिलों में, आप किसी में चले जाइए, वहां पर ना आपको टॉयलेट साफ मिलेगा, ना बाथरूम साफ मिलेगा, ना गंदगी के ढेर मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि जब सरकार के अपने मिनी सचिवालय, जहां से डीसी साहब बैठते हैं, दूसरे आला अधिकारी बैठते हैं सारे, वहां पर जब तक सफाई नहीं ये रख सकते हैं, तो बाकी की उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? रही बात अभियान की, तो अभियान बहुत अच्छा है, ये अकेले सरकार के बस का नहीं है, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को, एनजीओस को, आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सफलता तो मिलेगी पूरी तब, पर अगर आपने खुले शौचालय का देखना, तो जैसे ही गाड़ी दिल्ली से फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में घुसती है, तो लाइन, रेलवे लाइन के दोनों तरफ सुबह आप देखिए हजारों की तादाद में आपको लोग मिल जाएंगे जो खुले में शौच कर रहे हैं। अभी तक इस पे उस तरह की पाबंदी नालों के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर, छोटी कॉलोनियों के ऊपर, कहीं भी ये अभी सक्सेस नहीं है। कम से कम बहुत ज्यादा जिलों में नहीं है, एक दो जिलों की जो सरकार जो एग्जाम्पल दे रही है कि उन्होंने 3 जिलों में कर दिया है, तो हो सकता है कि वहां कुछ हद तक किया, पर वहां भी एक शिकायत आ रही है कि जो शौचालय वहां बनाए गए हैं सरकारी अनुदान से, उनकी गहराई कम है, वो 6 फुट के, 5 फुट के, साढ़े मापदंडों के मुताबिक नहीं है, और वहां के ग्रामीण कह रहे हैं कि ये तो बहुत जल्दी भर रहे हैं। एक साल, पिछले साल जो शौचालय बने वो बंद हो गए, उनमें पानी का प्रबंध नहीं है। खाली शौचालय बना देने से तो मसला हल नहीं होगा, देने से ही स्थिति नहीं बदल जाएगी। आप उनके साथ पानी की कनेक्टिविटी करिए, पानी नहीं है, लोगों को फिर वही बाल्टी भरकर साथ ले जाना पड़ता है, और वो गड्ढे जल्दी भर रहे हैं। तो अभी बहुत कमियां हैं सर, प्रधानमंत्री का ये जो प्रयास है वो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। और हरियाणा सरकार, जो खट्टर सरकार जो कह रही है, मैं खट्टर सरकार को इसमें सफल नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी बहुत कमियां हैं, और उन्होंने अपने सरकारी कार्यालय ही अभी स्वच्छ नहीं किए हैं, तो बाकी की तो बात अभी बहुत दूर। ठीक है, जनाता साहब बताइए फिर कैसे होगी बात, जनता आगे निकल रही है लेकिन सरकारी कार्यालय ही साफ नहीं है, सड़कों का हाल आपने देखा है, लगातार गंदगी पर हमने जिक्र किया। इस बीच हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लूं। मेरे साथ प्रदीप जेलदार भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका, और सर्वेश तिवारी हमारे साथ समाज से भी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर्वेश तिवारी आपका भी। जरावता साहब देखिए, जहां तक आप शर्मा जी ने बताया बजट की बात, कहीं भी किसी भी आप ग्राम पंचायत में या लोकल बॉडीज में कहीं भी बजट की कोई दिक्कत नहीं है, जो टॉयलेट के लिए कहीं भी, ठीक है। और पहले मैं चेयरमैन रहा हूँ ब्लॉक समिति का, और आज भी हम गांव में जाते हैं, गांव में रहते भी हैं, टॉयलेट के लिए किसी प्रकार की, जो शौच मुक्त करने के लिए बिल्कुल भी बजट की कोई कमी नहीं है, और वो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा है, और बहुत जल्दी, ठीक है, जो ऐसा लक्ष्य रखा है 2017 तक हम इसको पूरा करेंगे। दूसरा जो बताया उसका गड्ढा बन, देखिए मैं बताता हूँ उसके बारे में कि कचरा प्रबंधन का एक वो परियोजनाएं बना रहे हैं, और कुछ परियोजनाएं पे काम चल रहा है, और कुछ कंप्लीट भी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि, और जहां तक आप साइज की बता रहे हैं, मैक्सिमम उसमें तो खुद ही अपने जो जिनका होता है वो खुद ही बनाते हैं, बहुत सारे केसों में तो ऐसा ही होता है। हाँ, जहां तक आपने सरकारी कार्यालय कही, देखिए जैसा हमारे
मित्र ने भी कहा और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ये एक का काम नहीं है। देखिए, एक पूरे देश का, समाज का, हर व्यक्ति का, सामाजिक संस्थाओं का काम है। सफाई जहां भी बैठते हैं तो हमारा लोगों में एक अवेकनिंग आई है। आज कोई भी रास्ते में कहीं पन्नी या केले का छिलका या कोई भी डालने से हिचकता है, पहले नहीं था। खुद अपने आप में ग्लानी महसूस करना है। ये एक जो आंदोलन बना है, एक जिसको स्वच्छाग्रह नाम भी दिया है, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हुआ है। और इसका बड़ा मतलब तस्वीर भले अभी पूरी नहीं बदली है, बहुत सारी कमियां भी दूर करना है, लेकिन कम से कम जागरूकता है लोगों में। या फिर जो लोग बड़े धड़ल्ले से कूड़ा फेंक देते थे, आज वो सोचते हैं कि शायद कोई टोक देगा, यानी गिल्टी का थोड़ा सा भाव रहता है। भारद्वाज साहब, अतुल जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में 1 नवंबर 2014 को खट्टर साहब ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और हरियाणा में जो शुरुआत हुई वो फरीदाबाद की एक कृष्णा कॉलोनी है, वहां से ही हुई। और खट्टर साहब और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और तमाम विधायक और मंत्री लोग वहां मौजूद थे, पूरा सरकारी अमला वहां मौजूद था, और वहां से इस अभियान की शुरुआत की। तो सबसे पहले ये देखें कि जहां से शुरुआत की है पूरे प्रदेश में अभियान की, वहां की क्या हालत है। वो जो कृष्णा कॉलोनी है, आज आप जाकर देख लें, मैं खुद यहां आने से पहले होकर आया हूं, वहां खुद भी उस कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां गंदगी है, कीचड़ है, वहां जो नालियां हैं वो बंद हैं, रुकी हुई हैं। जब वहीं से, जहां से शुरुआत सरकार ने की, जब वहां पे अगर सफाई सरकार नहीं कर पाई तो आगे किस तरह से चलेगा। वो एक स्लम एरिया है, मैं ये बताना चाहूंगा, स्लम एरिया के लोग, जैसे कि मेरे साथी जिक्र कर रहे थे सुभाष जी, कि पटरी के साथ सुबह सुबह आप जाकर देखें, हजारों लोग खुले में शौच जाते हैं, उनकी मजबूरी भी है वहां पर, कोई सुलभ शौचालय जरूरी है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, ऐसे भी लोग हैं अतुल जी, मुझे नहीं लगता है ऐसे भी लोग होंगे, और होंगे भी तो कोई 2-4-5% होंगे, अदरवाइज किसी को अच्छा नहीं लगता खुले में कोई जाए। पर उनकी मजबूरियां ये हैं कि वहां पर शौचालय नहीं है, वो स्लम एरिया में रहते हैं, वो खुद नहीं बना सकते, परंतु जो सार्वजनिक जो शौचालय होना चाहिए जी, जो लोग दावा करते थे भारद्वाज साहब कि हरियाणा नंबर वन है, अब ये तो है नहीं कि इस सरकार के आने के बाद टॉयलेट तोड़ दिए गए। नहीं नहीं, वो थे ही मजबूरी है तो कैसे नंबर वन था, वो थे ही नहीं। अतुल जी, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सरकार के जो दावे हैं कि उन्होंने जो टॉयलेट्स बनाए हैं उसका मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा। 2001 में जब चौटाला साहब की सरकार थी और हरियाणा प्रदेश की आबादी लगभग 2 करोड़ थी, उस वक्त जो स्कूलों में टॉयलेट जो बनाए गए थे वो 487 एक साल में, और आंगनवाड़ी में 324 टॉयलेट सरकार की ओर से बनाए गए। उसके बाद 2012-13 का जो ये आंकड़ा है उसमें 148 कांग्रेस ने स्कूलों में और 315 आंगनवाड़ी में। उसके बाद ये आंकड़ा कुछ बढ़ा, और जब ये आंदोलन शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने और खट्टर साहब ने, उसके बाद 2014 में से 15 में 915 और 718 हुआ। परंतु ताजुब की बात यह है कि इस साल 2015 से 16 का जो सेशन है उसमें फरवरी तक 153 स्कूलों में और 146, मतलब 2001 में जो बने थे जो जितने टॉयलेट बनाए गए थे उससे भी कम। आज 15 साल बाद जहां आबादी बहुत बढ़ चुकी है हरियाणा प्रदेश की, आज लगभग 2.75 करोड़ आबादी है, वहां 153 और 146, तो असलियत तो यहां से नजर आती है। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विभाग का है, ये सरकारी आंकड़े हैं ये मेरे पास जो मैं लेकर आया। तो ये हालत है, जब आप बनाएंगे ही नहीं, प्रैक्टिकली आप बात करें ना, जब आप सरकारी स्कूलों में आप बनाएंगे नहीं तो फिर कैसे तस्वीर बदलेगी। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अतुल जी, आपको याद भी होगा महेंद्रगढ़ में जहां से खुद शिक्षा मंत्री आते हैं रामविलास शर्मा जी, उनके अपने क्षेत्र के एक गांव में एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा का बच्चा जब टॉयलेट गया, उसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई थी और वो मर गया था वो बेचारा। तो उसके बाद भी सरकार ने अगर संज्ञान नहीं लिया इन टॉयलेट्स को बनाने में, तो फिर सरकार कैसे दावा कर सकती है कि स्वच्छ हरियाणा होगा और हरियाणा में स्वच्छता होगी। लेकिन सरकार का अभियान तो ठीक है ना, इस सरकार का है, वो जो आपने 15 साल का आंकड़ा दिया वहां पर ये नहीं थे, वहां पर ये नहीं थे। अतुल जी, सफाई के कोई भी खिलाफ नहीं होगा, ये बात 70 साल पहले। मैं चाहूंगा इसका जवाब ले। जेलदार साहब हमारे साथ मौजूद है, सुभाष जी मैं आऊंगा आपके पास, जरावता साहब आऊंगा। बताइए जेलदार साहब, अभियान तो बहुत अच्छा है लेकिन जो आंकड़े पिछले सालों के निकाल कर रखे गए हैं, वो समय तो आप थे ना, आपका अभियान था लेकिन आपका दावा था कि नंबर वन। हेलो जरावता साहब, जेलदार साहब मेरी आवाज जा रही है? हेलो शायद मेरा संपर्क नहीं है, मैं चाहूंगा इसको खामी को जल्द दूर कर लिया जाए। सुभाष शर्मा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर, जो आंकड़े पेश कर रहे हैं यहाँ पर अरविंद जी। मेरे साथी ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, पर जो सरकारी आंकड़े कहते हैं पिछले साल, क्योंकि 14 अक्टूबर में ये
अभियान शुरू किया गया था मोदी जी द्वारा, 15 तक जो था 3625 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलॉट किए थे, जो कि कुल जो तय बजट का आधा था। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट अलॉट होना है उसकी कमी है, उसे पूरा करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, तभी तो हम जाके इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। जो गांधी जी के लिए सपना देखा है हमारे मोदी जी ने, तो वो हरियाणा सरकार तभी तो पूरा कर पाएगी। अभी बहुत दावे किए जा रहे हैं कि हम बहुत इसको बड़े तरीके से कर रहे हैं, पर सबसे पहले क्या है कि इस बजट को मांगा जाए। और अभी पीछे जो जयपुरा गांव था, जयापुर गांव जो मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र का था, उसका सर्वे हुआ था, उसमें 40% जो टॉयलेट थे वो उनमें उपले भरे और गंदगी और अनयूज। अब ये तो मोदी जी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये लोगों को इसके लिए तो अब शायद ब्रह्मा भी आकर उनको नहीं जगा पाएंगे। वहां पर टॉयलेट लग गए, जयपुर गांव में सब कुछ लग गया था, बस स्टैंड था, वहां पर बैठ के ताश खेल रहे हैं, बैठने नहीं देते अपने ही गांव की लड़कियों को। वहां पर जो टॉयलेट बनाया गया था उस टॉयलेट में ले जाकर लकड़ी भर दिया, उपले भर दिए। तो अब मोदी जी कम से कम उपले तो निकालने नहीं जाएंगे, कोई भी प्रधानमंत्री होगा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इसके लिए मोदी जी को कम से कम कोई ब्लेम ना करे। मैं चाहूंगा जेलदार साहब जवाब दें, एक आंकड़ा रखा है यहां पर अरविंद भारद्वाज साहब ने इनेलो की तरफ से, उन्होंने बताया कि चौटाला साहब के दौर में क्या हुआ था, उसके बाद अब इस सरकार में जो केंद्र की सरकार की योजना, प्रदेश की योजना, प्रधानमंत्री की अपील, लेकिन पर्टिकुलर हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में आप काबिज रहे, उसमें क्या बना था, कितना बना था और कैसे हरियाणा नंबर वन था। आज आप इस अभियान का विरोध करें, स्वागत करें, वो अलग मसला है, लेकिन आपने क्या ढांचा दिया था? अतुल जी, पहली बात तो ये है कि जो ये अभियान जो है, सब साथी नहीं, हम पूरी जनता इस बात का आभार व्यक्त करती है, जो जो सरकारें रही जिसने भी जितना काम किया और अभियान को प्रधानमंत्री लेवल के ऊपर जाकर इन्होंने जिस तरह से इंडिया गेट से और पूरे देश को एक मैसेज देने का काम किया था, वो एक अच्छा काम है। इस अच्छे काम के लिए सब लोगों में जागरूकता फैली। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो साथी हमारे भाई और सरकार के जो आंकड़े हैं, और आंकड़ों में जा 15-16 साल जो ईयर गया, 15 और 16 का, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कमी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा अतुल भाई की, जाके प्रधानमंत्री तो गोसे निकलवाएंगे नहीं, लकड़ी हटवाएंगे नहीं, बात ठीक है, मगर जिम्मेवारी जब किसी सरकार की होती है, जब प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसके ऊपर उसी की जिम्मेवारी होती है बहुत बड़ी। आप लोगों के भाजपा की सरकार नहीं है, व्यवस्था है अधिकारियों की, भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ सपा की सरकार है। नहीं, यह मैं बोल रहा हूँ, हरियाणा, हमने जियापुर का उदाहरण, सुभाष जी ने जियापुर का उदाहरण दिया था, वो उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूँ, हरियाणा, मैं हरियाणा का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप खुद देखिए जाके, बहुत बड़ा मेडी सिटी हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे लोग तो अंदर, जो पेशेंट होते हैं उसके फैमिली होते हैं वो तो अंदर होते हैं, जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं वहां बाहर बैठने वाले वो क्या करते हैं, सुबह आप खुद देखिए जाके, जो कि बहुत बड़ा साइबर सिटी है, पूरे देश की और दुनिया के अंदर कैपिटल, हरियाणा की आर्थिक कैपिटल गुड़गांव के नाम से जानी जाती है। उसकी तो मैं एक सवाल पूछूं फिर आपसे, अब ये 2 साल में तो हुआ नहीं है, वो पहले भी वही बात बैठते थे और आप कहते थे हरियाणा नंबर वन। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। करिए। सरकार जो 1,48,000 जो भी आंकड़ा इन्होंने दिया, इतना पैसा दिया है, तो सरकार के पास क्या अपनी खुद की सर्वे नहीं है? सरकार जाए क्या ऑटो स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास, जहाँ पब्लिक पैलेस है वहाँ कितने इन्होंने टॉयलेट बना दिए और उन टॉयलेट की हालत क्या है? ये जिम्मेवारी आपकी और हमारी नहीं है, आज सरकार की जिम्मेवारी है। सरकारी हॉस्पिटल की आपने बात करी, लघु सचिवालय की आपने बात करी, हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हमारा सबका सहयोग है, स्वच्छता के अंदर, इस अभियान के अंदर, मगर खाली हाथ विपक्ष बैठा, भरे हाथ सत्ता बैठी हुई। ठीक है सर, अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं फिर कहूंगा एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया है, क्या उसने इस मुद्दे को कभी समझा, सोचा या ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आई? कभी नहीं लेकर आए, आज उसका जिक्र हो रहा है, ये भी अपनी बड़ी बात है, लेकिन अगर जिक्र हो रहा है तो फिर नतीजा भी उस पर सही आना चाहिए, सकारात्मक आना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं चाहूंगा सर्वेश तिवारी समाज सेवी हमारे साथ, एक बहुत छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया हो जाए, समाज सेवी के तौर पर आपको क्या महसूस होता है कि सरकार कितना अच्छा कर रही है और कितना इससे समाज जुड़ा है? सर्वेश अतुल जी, ऐसा है कि किसी को सामर्थ आप बना सकते हैं, बट उसकी सोच और समझ
वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। रही बात स्वच्छता अभियान की, अभियान तो बहुत अच्छी है और हम सब क्या हर आदमी इसका समर्थन करेगा, बट यहाँ पे समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है कि जब एक अभियान चलाई जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे धन लाए जाते हैं, बहुत सारा पैसा लाया जाता है उसको सक्सेसफुल उसको बनाने के लिए, उन पैसों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि प्रदीप भाई ने बोला कि अगर हम गुड़गांव की बात करें तो तकरीबन 50 पंचायत ऐसे हैं जहां पे शौचालय का अभाव है। अगर गुड़गांव से सटे मेवात की बात करें तो तकरीबन 14 स्कूल ऐसे पाए गए अभी रीसेंट सर्वे में जहां पे टॉयलेट नाम की चीज नहीं है। और अगर हम राज्य की बात करें तो 4500 ऐसे स्कूल हैं जहां पे टॉयलेट तो है बट पानी नहीं है। आप टॉयलेट, बिना पानी के टॉयलेट का मतलब क्या बनता है? ये तो ईश्वर ही समझा सकता है इन लोगों को। चलिए, ये बहुत अहम बात है कि सिर्फ टॉयलेट बन जाना या फिर अभियान चल जाना इससे बात नहीं बनती है, उसका जो असल मकसद है वो पूरा होना चाहिए। ढांचा खड़ा हो जाए तो वो सिर्फ खड़ा ही ना रहे और कोई वहां पर उपले रखे अपना व्यक्तिगत मसला है, लेकिन कोई अगर उपयोग करना चाहे तो कम से कम कर पाए, उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, गड्ढे भी बड़े और पानी की सुविधा, और तब जाकर लगेगा कि अभियान भी वाकई जमीनी तौर पर सही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ब्रेक से आगे बढ़ते हैं, समय कम रहेगा, चाहूंगा कि सभी मेहमान संक्षिप्त में अपनी बात लगातार करते रहें। मैं चाहूंगा जिलदार साहब आपके पास आऊं, एक अभियान है, अच्छा है, आप भी उससे गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, चाहे स्वच्छता अभियान का जिक्र हो या फिर उसके अलावा जो शौच मुक्त हरियाणा या फिर शौच मुक्त जिलों का दावा हो रहा है कि हरियाणा तो होगा लेकिन कुछ जिले हो गए, क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ कागजी दावे हैं? यह अतुल जी कागजी दावे हैं। मैं अपने साथी से पूछना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि स्वच्छता जो हमारा ये स्वच्छता अभियान चला है और हमारा 2017 तक का मिशन है, मैं उस अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि कितनी जगह ऐसे कोई पॉइंट गिना देगी हम बिल्कुल सक्सेस हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सक्सेस नहीं है, ये सिर्फ कागजों के ऊपर दिखावा है और पब्लिक का, जनता जनार्दन का, वो जो उनके जीवन के मूल्य काम है, जो विकास के और जो काम है, उनसे ध्यान बटाने का एक कार्यक्रम, ये अच्छी तरह से इस नीति को जानते हैं करना बीजेपी के साथी, कि सारी जनता जनार्दन इनका साथ देना चाहती है, इसके लिए कोई डिनाई नहीं, मना नहीं कर रही है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहता हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उठा लीजिए जहाँ पब्लिक का रोज का आना जाना है, कोई मान लो ऑटो स्टैंड हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, या आपका और पब्लिक पैलेस है, वो सब लोग, मैंने एक पीछे मेरा दौरा था तो मैं एक मंत्री को, इनके कैबिनेट मंत्री को देख रहा था कि उसने गाड़ी रोकी, एक 3 स्टार के अंदर बाथरूम करने चला गया, उसका तो रुतबा था, और जिसका रुतबा नहीं है वो तो बेचारा कहाँ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपके पास पूरा मैप आपने आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि कहाँ कहाँ आपने टॉयलेट बनाए जो सार्वजनिक रूप से लोग जा सकते हैं। कितने नहीं, वो तो आदत है ना, हरियाणा नंबर वन का जब दावा होता था तो भी नहीं बताते थे कि कितने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, लेकिन आज अब सवाल पूछने के अधिकारी हैं क्योंकि आप विपक्ष में जिलदार साहब। ठीक है, जरावता साहब से मैं चाहूंगा कि वो आपकी बात का संक्षेप में जवाब दे। जिलदार साहब सुनते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे काम करे, अगर आज तो अतुल जी बीजेपी को प्रदीप जी मुस्कुराते हुए 70 साल में तुमने 2 साल का हिसाब मांग रहे हो, धैर्य रखो, अरे रखो, बोले बोले जनता साहब जवाब दे, तुमने तुम्हारा एक नंबर होता तो इतने प्रसन्न नहीं होते। हाँ, धैर्य रखो जिलदार साहब, देखिए जहाँ तक स्कूल की बात है, अतुल जी कब उभरेगी 70 साल कैसे? अतुल जी सुनते 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 जिलदार साहब, अब समय कम रहता है सर, एक एक करके स्कूल की बात। हाँ जनता साहब, स्कूल की बात, हमारा, हम सकारात्मक विचारधारा के लोग, हमारा काउंटिंग जो है ना इनकी तरह इतने परसेंट, हमारा ये है कि कोई स्कूल अछूता ना रह जाए बगैर टॉयलेट के और बगैर पानी के। ठीक है, हमारा ये है और हम उस टारगेट को पूरा करेंगे। और जहां तक है जिन जिलों को शौच मुक्त घोषित कर दिया, आप 100% श्योर हैं कि है? हाँ बिल्कुल किया है। देखिए, जो
जिले अब घोषित किए हैं और 5 जिले अभी 1 नवंबर को और होने हैं, करने काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। हमारे उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, वीडियो तमाम लगे हुए हैं, चलिए पूरे प्रशासन ठीक। और देखिए ये एक ऐसा आंदोलन है, इसमें बगैर आरोप प्रत्यारोप किसने क्या किया, नहीं आंदोलन तो चलाना पड़ेगा सर ना, कि आजादी के इतने सालों के बाद जो हमारा देश इतना विकास कर गया उसके बीच में हम शौच की बात करते हैं, तब हम सोचिए कि कितने विकसित हैं। हम बात करते हैं कि 1 नंबर कहाँ जाना है, 2 नंबर कहाँ जाना है, बड़ा हॉट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है ठीक है, मैं रोकूंगा सर, चाहूंगा एक एक करके अरविंद जी मैं आपके पास जाऊं, उसके पहले सुभाष जी आप बताएंगे क्या ये दावे बिल्कुल सही है किसी भी प्रकार के। देखिए जो ये दावे किए गए हैं उसमें कुछ हद तक तो कामयाबी मिली है, तभी दावा किया गया है, बिल्कुल झूठा दावा तो नहीं है, नहीं है ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम विदेशों की तर्ज पर चाहते हैं सफाई हो, वहाँ पर जुर्माना लगता है थूकने पे भी, नहीं यहाँ तो नहीं, और यहाँ पर आप बस अड्डों पे चले जाइए, इसमें सब कुछ अधिकार है, भावनात्मक अधिकार है। और सबसे बड़ा मैं जो कहना चाहता हूँ अतुल जी कि हमारे सरकार को ये चाहिए जैसे हमारे बस अड्डे हैं वहाँ की शौचालय स्वच्छ करे, सरकारी कार्यालय करे और उसके बाद स्कूलों की करे, इस तरह के जो उनके अपने प्रतिष्ठान हैं उनमें कम से कम जो शौचालयों को बिल्कुल स्वच्छ कर दे, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कम से कम लगेगा कि हाँ सरकार ने आम जनता से अपील की है, जुड़ाव किया है या फिर योजना चलाई है, तो कम से कम वो जगह जो कि सरकार के अपनी जगह है उनसे संदेश सबसे पहले जा सकता है, फिर जनता और ज्यादा प्रभावी तरीके से जुड़ेगी। और दूसरे चरण में कुछ जुर्माना भी लगाए, जुर्माना भी लगाइए, ठीक है। बताइए भारद्वाज साहब। अतुल जी जिस तरह से जनाबता जी दावा कर रहे हैं और सरकार भी दावा कर रही है कि हमने शौच मुक्त बना दिया है कुछ जिलों को, मैं चैलेंज के बाद साथ कह सकता हूं कि एक भी जिले का नाम ऐसा बता दें जनाबता जी कि जो पूरी तरह से शौच मुक्त बना दिया हो, खुले में शौच मुक्त बना दिया हो, एक जहां पर एक भी कोई ऐसा स्कूल ना हो कि जिसमें टॉयलेट ना हो, या कोई मार्केट ऐसी ना हो जहां पर कोई टॉयलेट ना हो, कहीं भी आप देख लें, कहीं भी किसी मार्केट में चले जाइए किसी शहर की, कहीं भी आप कहीं गाँव में चले जाइए, किसी स्लम एरिया में चले जाइए कि जहाँ टॉयलेट्स बने हुए हो, कहीं नहीं है ये पोजीशन की ये कह सके कि 100% हम बना चुके हैं। आप पूरी तरह से कैसे चला गया, एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए, आकलन गलत है, फिर आप बोल लीजिएगा। दूसरी बात, आपने जो अभियान की बात करी कि सफलता की बात, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अभियान सफल कहां होगा, अपने घर से होता है। आपकी सरकार ने शुरू किया तो सबसे पहले आपके अपने विधायक और सांसदों को जो उन्होंने गांव गोद लिए हुए या जहां से वो ताल्लुक रखते हैं सबसे पहले तो वहां से शुरू करना चाहिए था। मैं बताना चाहूंगा कि इनके जो सांसद हैं जो सबसे ज्यादा टीवी पर चर्चित रहते हैं, सबसे ज्यादा उल जलूल बयान देकर अपने आप को टीवी पर अखबारों में दिखाना चाहते हैं राजकुमार सैनी जी, उनका जो अपना गोद लिया हुआ गांव सांगान है वहां पर सबसे ज्यादा गंदगी के ढेर हैं, वहां की सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पानी सबसे ज्यादा सड़कों पर भरा हुआ है, ये तो अखबारों में भी कई बार छप चुका है। यही हालत और भी इनके चाहे कृष्णपाल गुर्जर हों, मुख्यमंत्री बनने की चाह में इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बन जाएंगे। मतलब इतने इतने बड़े अभियान का आप दावा करते हैं और आपके अपने सांसद एक गांव को स्वच्छ नहीं बना पा रहे, वहां वो खुले में शौच मुक्त नहीं बना पा रहे, तो फिर पूरे प्रदेश को कैसे बनाएंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी तो सर हर एक सांसद की होनी चाहिए, कोई भाजपा के सांसद सभी की होनी चाहिए, पर मैंने ये बात शुरू में ही कही अतुल जी की जिम्मेवारी क्योंकि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी है, तो जैसे मैंने कहा अपने घर से होती है, तो सबसे पहले तो मानना इन्हें उदाहरण इन्होंने की, इन्होंने शुरुआत की है, बिल्कुल आपने जिस तरह से ये जो अभियान आप शुरू करने का दावा कर रहे हो उसमें काम भी तो किया है, काम भी तो करके देखा है, नहीं लेकिन एक सवाल जनाब ताजी है ना कि ठीक है कि इन्होंने अभियान की शुरुआत की है, अच्छी बात है, लेकिन पर काम तो कुछ नहीं किया, फिर काम होने लगे इन्हीं के बीजेपी वालों का कहना है कि नहीं है, जिस कॉलोनी से शुरुआत करी अतुल जी फरीदाबाद की, मैं दावा कर रहा हूं आज आप जाके देख लो, आप अपने पत्रकार को किसी को भेज के वहां के फोटो मंगा लो, वहां क्या हालत, मैं खुद वहां शाम को देख कर आ रहा हूं, ये हालत सिर्फ यहां बैठकर एसी कमरों में बैठकर आप दावे करते हैं कि हरियाणा शौच मुक्त हो गया, हरियाणा स्वच्छ हो गया, उससे हरियाणा स्वच्छ। फिर दूसरी बात, आप कहते हैं शौच मुक्त जो जिले घोषित कर रहे हैं ये आपने कैसे फैसला कर लिया, आप जनता से सर्वे कराते, जनता की राय लेते कि क्या आप ये महसूस करते, क्या आपने कोई सर्वे कराया, क्या मीडिया से कोई फीडबैक लिया, आपने खुद चंडीगढ़ में बैठ के घोषणा कर दी, चंडीगढ़ में बैठ के होती जनाबदारी कागजों पर नहीं भारद्वाज, सच्चाई ये है कि आपके जो सांसद है, मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके विधायक और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, उन्होंने खुद घाणी सांपला, एक मिनट, घाणी सांपला गांव गोद लिया हुआ है, उसकी हालत जाके देख लो, वहां की हालत ही है। चलिए ठीक है, बहरहाल सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज ठीक है, भारद्वाज साहब, जरावता साहब, दोनों लोग शांत हो जाएंगे, वॉकिंग नहीं करा पाए गांव में, आप दावा करते हैं
बार साहब मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाने दें, ठीक है। कांग्रेस को ठीक है ठीक है सफल होता है। अरे उस तकलीफ का अंदाजा लगाइए, सफल किया हुआ हमारे सारे अभियान सफल, ठीक है। सर्वेश तिवारी, सर्वेश तिवारी देखो मेरे गंदगी ढेर नहीं दिख रहेगा टीवी पे। बारदास साहब मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, प्लीज बताइए। सर्वेश तिवारी देखिए, राजनीतिज्ञों का तो ये विशेषाधिकार है, वो लड़ते रहेंगे, मुद्दे निकालते रहेंगे। कोई हरियाणा नंबर वन करके गया था, लेकिन आज वो कह रहा है कि नहीं यहाँ पर शौचालय नहीं है, तो कैसे था वो अपना, ठीक है उनका अधिकार है, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर, आपको लगता है कि हाँ गति और होनी चाहिए सरकार की योजना और अभियान की, लेकिन समाज का नजरिया वाकई बदला है? क्योंकि हमने कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी, सबने उसको सराहा, और अब जरूरत है कि बदलते हुए नजरियों को और तेज गति से बदलने की यहां पर कोशिश की जाए, यही महत्वपूर्ण होगा सभी के लिए। बिल्कुल, मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो पूर्व से ही चला आ रहा है कि शौच के वक्त लोग सोचते हैं, इन दोनों से अच्छा मेरा आग्रह है कि ज्यादा जब भी मौका मिले सोचें, और शौचालय के लिए सोचें। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैं मेट्रो रेलवेज में था काफी समय तक, तो जब मेट्रो की शुरुआत हुई तो हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि दिल्ली बहुत गंदी है और हर जगह लोग कुछ मूंगफलियां खा के फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं, डीटीसी की बसों में हमने देखा। लेकिन जिस दिन मेट्रो चालू हुई, लोगों के वही आदमी, वही शख्स जो डीटीसी में मूंगफली फेंकता था 2 रुपए का, वो जब मेट्रो में चढ़ता था तो कोई गंदगी नहीं करता था। कारण कुछ नहीं था, उसके दिमाग में था कि ये साफ जगह है तो इसे साफ रखना है, ठीक है। तो हम अगर किसी चीज को साफ रखने की कोशिश करेंगे सरकार, तो जो मनुष्य है, जो हमारे हमारी जनता है, वो भी उसे साफ रखेगी। बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है, और जिस बात का जिक्र इसके पहले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जी कह रहे थे कि देखिए मेट्रो का आपने अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन वहाँ जुर्माना भी है, पैसा जब जेब से जाता है ना तो अपने आप फिर सोचना मजबूरी हो जाती है कि कहाँ जाना है, 1 नंबर कहाँ जाना है 2 नंबर, ठीक है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन नजरिया बदला है समाज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलदार साहब मुझे पता है आपको जाना है, फाइनल कमेंट आप करते जाइए, लेकिन मेरी गुजारिश है बहुत संक्षेप में सर। जेलदार साहब ये कहना चाहता हूँ, अतुल भाई, जो भाजपा के जो साथी पूर्ण रूप से दावा करते हैं, तो वो दावा छोड़ दें, सच्चाई पे धरातल पर आकर वो काम करें। हम इस काम की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम सब सहयोगी हैं इस काम के लिए, पूरी जनता जनार्दन। सच बात यह है कि जब अपने घर में सफाई नहीं कर पाएगा व्यक्ति, दूसरे को क्या उदाहरण देगा। पूरी सरकारी मशीनरी इस बात के लिए जागरूक करनी चाहिए सरकार ने कि उसके जो जितने भी सरकारी बिल्डिंग है उनके अंदर एक एग्जाम्पल तो सेट करके दिखाएं वो कि भाई हमने इतने बेहतरीन तरीके से सफाई की हुई है। चलिए यही पॉइंट है कि एग्जांपल आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पूरे देश की बात हो रही है, प्रधानमंत्री पूरे देश के, उन्होंने जो अपील की थी महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, उनके उस पीड़ा के लिए लाल किले की प्राचीर से, तो फिलहाल उसको समझना भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जेलदार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन सर्वेश तिवारी हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी मेहमानों के पास चलता हूं, गुजारिश कर रहा हूं बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट अपने करें। सबसे पहले सुभाष शर्मा जी आपका। देखिए जी, इस अभियान में जो एक सबसे बड़ी बात है कि कई आईएएस अधिकारी भी हमने झाड़ू लगाते देख लिए सड़कों पे, जो पहले फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त सोनल गोयल आजकल सड़कों पे झाड़ू लगा रही है सुबह सफाई कर्मचारियों के साथ। ये अभियान का एक लोगों को जागरूक करने का अच्छा प्रयास है, हमें अच्छे काम की तो सराहना करनी पड़ेगी। इसमें ये नहीं है कि हम इसको अच्छे काम को भी बुरा कहें, राजनीति करने वाले नहीं है ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। और रही बात ये कि सबसे पहले मैं कहता हूँ कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक थोड़ा सा डर नहीं बैठे का, जेब का डर, कि यहां अगर थूकेंगे 10 रुपए जुर्माना लगेगा, भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इस अभियान में सफल नहीं हो सकते, चाहे हरियाणा सरकार लगे या मोदी जी लगे या ओबामा जी को भी ले आए यहां पर, शायद तब भी सफल नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम इसमें जरा जोर शोर से लगे और लोगों को थोड़ा दंडित करने की भी प्रक्रिया करें, तब जाके सफल हो सकते। अरविंद भारद्वाज साहब फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, और मैं बिल्कुल इस बात से डिनाय नहीं करूंगा कि सफाई एक सामूहिक प्रयास है, और सब हम सबको मिलकर साफ रखना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है, बीमारियां नहीं होंगी, साफ सफाई होगी, हम सबको देखने में भी अच्छा लगेगा। परंतु इसमें हम अपने घर को, एक आम आदमी अपने घर को साफ रख सकता है, और वो रोड पर चलते हुए रोड पर कूड़ा ना फेंके इतना कर सकता है, परंतु कूड़े के ढेर जहां लगे हुए उनको साफ तो सरकार ही करेगी। बिल्कुल, जो 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 बड़े इंस्टीट्यूट है, कोई अस्पताल है, कोई बस अड्डा है, उनको साफ करना, या रेलवे स्टेशन है उनको साफ
साफ करना सरकार की जिम्मेवारी है और कर्मचारी जो इसकी तनख्वाह लेते हैं उनकी जिम्मेवारी है। परंतु एक तो उनकी तनख्वाह बहुत कम है, ये बात खुद आज इनके एक मंत्री ने ही मानी, उन्होंने बयान दिया दिन में कि तनख्वाह कम है, उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए या और कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए ताकि साफ सफाई रह सके। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि इनके खुद के मंत्री कितना सीरियस है, जो सच्चाई है वो हम जनता के सामने रख सकते हैं। कृष्ण बेदी, आपको ध्यान होगा इनके जो मंत्री हैं उन्होंने झाड़ू हाथ में लेकर, जिसका अभी सुभाष शर्मा जी जिक्र कर रहे हैं, अधिकारी तो ठीक पर मंत्री जी ने झाड़ू हाथ में लेकर क्या कहा था, ये मोदी पता नहीं के करवा के मानेगा। तो इस तरह की सोच के साथ जब आप झाड़ू लेकर जाएंगे तो उसका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक ड्रामा है, एक नौटंकी है और ये जनता के बीच जाएगी, जनता को दिखेगा कि जब आप इस तरह से एक प्रधानमंत्री को लेकर आप इस तरह के तो फिर आम आदमी कहां उसे सीरियस लेगा। इसलिए सरकार को, मेरा तो यही एक सुझाव है कि सरकार को बजाय इस पर कोई राजनीति करने के, बजाय इस पर नौटंकी करने के, सीरियसली प्रैक्टिकल जमीनी धरातल जो है वहां पर काम करके दिखाना चाहिए, सिर्फ चंडीगढ़ से बैठकर घोषणा नहीं करनी चाहिए, जमीन पर उतर कर देखना चाहिए। प्लीज मैं रोकूंगा सर्वेश तिवारी, आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद में जरावता साहब के पास जाऊंगा। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए। संक्षेप में यह है कि अभी जो हाल में गुड़गांव से अभी बैठा हूं, तो एक जो समस्या है डेंगू, चिकनगुनिया और ये सारी चीजें जो समस्या हो रही है, सब स्वच्छता के कमियों की वजह से हो रही है। आज अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो ये जो समस्याएं हैं वो नहीं हो सकती। एक मैं डॉक्टर साहब के पास था, उन्होंने बोला कि जितना खर्चा, तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ हरियाणा में सिर्फ डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए खर्चा हो रहा है, अगर इसका आधा पैसा भी प्रिवेंटिव मेजर्स में लगा दिया जाता तो ये सफल हो जाता। दूसरी बात जो बहुत अहम है, आज प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हैं जो रोज धक्के खाती हैं अलग अलग संस्थानों में जाके, सरकारी संस्थानों में, कि हमें टॉयलेट बनाने का मौका दो, और वो कहती है कि मुझे वो दे दो, हम एक एड लगा के अपना काम चला लेंगे। उसके लिए 50 टेंडर होते हैं, 100 तरीके की दिक्कतें आती हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूंगा, मेरी बातचीत हो रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल है राजेंद्र सिंह साहब, डीएलएफ में काम करते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया और कई सारे गांव को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को आदर्श मानो, अब समय बदल गया, ऐसे लोगों को जोड़ने की जरूरत है जो कि सरकारी अधिकारी हो सकता है, झाड़ू तो लगा दें कुछ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और सरकार की नजर में आने के लिए, लेकिन टेंडर की बात होती है तो फिर नियम जो होते हैं उसमें उलझाने के अभी उन्हीं का जिम्मा होता है और उसके पीछे मंशा क्या है बताने की जरूरत नहीं। तो ये एक अच्छा सुझाव भी और एक अच्छी बात भी बताई सर्वेश तिवारी ने। बताइए जरावता साहब, एक ईमानदार जवाब अपना देकर जाइए यहां पर फाइनल कमेंट में। मैं पिछले कई दिनों से लगातार इन मुद्दों को उठा रहा हूं, हमारा चैनल बड़ी जिम्मेदारी से उठाता है। हकीकत तो जो है वो है कि गंदगी है। स्मार्ट शहर घोषित कर देने से भी फरीदाबाद की तस्वीर नहीं बदली है, लेकिन आपका अभियान अच्छा है, प्रधानमंत्री की अपील अच्छी है और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इससे बहुत ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ देखता हूं। लेकिन जहां सरकारी स्तर पर काम करना है, और जिस बात का जिक्र सुभाष शर्मा जी ने किया कि मैसेज सबसे बेहतरीन उस सरकारी भवन से ही जा सकता है, वो कब तक साफ होगा या सिर्फ दावे होंगे? देखिए, जो जन, ये एक जो अभियान है पूर्णतः जन आंदोलन है और जहां तक सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट हुआ है लोगों में स्विच, और पंचायतों को, जिलों को प्रोत्साहन देने के लिए और ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार की राशि भी हमारी सरकार निर्धारित की है, 5 लाख रुपए जिले में, 2 लाख ब्लॉक में, और जो गांव पूर्णतः स्वच्छ होगा उसको 1 लाख रुपए, और प्रत्येक मंथ हर ब्लॉक में एक गांव फाइनल भी किया जाएगा। तो मोटिवेशन किया जा रहा है, इसी तरह सिटी में, शहर में, वार्डों में 2 लाख रुपए, तो इस तरह से जो राशि भी निर्धारित की है, ऐसा नहीं है, ताकि इसको ज्यादा प्रचार हो और लोग इसके ऊपर अवेकनिंग हो और खुद लोगों में ये भाव जागृत हो कि हमारे आसपास में कहीं गंदगी ना हो। जहां तक सरकार की बात है, सरकारी भवन की बात है, बिल्कुल मैं भारद्वाज जी की बात और सुभाष जी की बात कि सरकारी भवन में भी पूर्णतः लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक के हैं, उसमें भी पब्लिक को अवेक रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, पब्लिक ठीक है, ये भी अच्छी बात। चलिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में भारद्वाज साहब, बहुत संक्षेप। शहरी विकास मंत्रालय ने एक सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट आउट की थी, उसमें ये बताया गया, उसमें ये बताया गया कि जो हमारा स्मार्ट सिटी अकेला जो शहर फरीदाबाद सेलेक्ट हुआ है, वो स्वच्छ शहरों में पूरे देश में 51वें नंबर पर है। ये हालत है अतुल जी, ये भी एक गंभीर विषय है, गंभीरता से। सुभाष शर्मा साहब, बहुत संक्षेप में सर कुछ कहना चाह रहे हैं।
ये कहना चाहूँ कि अभी वेस्ट मैनेजमेंट पर भी हमें हरियाणा सरकार को काम कर रहे देखो कदम उठाना होगा, क्योंकि जो गुड़गावा रोड के ऊपर जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ा प्लांट लगा है वो डंप हो चुका है, बंद पड़ा है, बेकार है, वो गंदगी जो है वो इकट्ठी होके कहाँ जाती है, वो एक जगह डंप कर दी जाती है, बढ़ाने लगे 1300 अभी बहुत जरूरत है, और सरल अपिष्ट के जो वो है मैनेजमेंट के काम उस 1.25 करोड़ जरूरत है, क्योंकि अभियान पर राजनीति करना भी एक काम का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा है, लेकिन दरअसल अभियान बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उसको कोई कह सकता है कि हाँ इसमें अगर कोई बात रखी जाए इस तरीके से कि हाँ इस पर भी सवाल खड़े कि तो राजनीतिज्ञ खड़े कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता कम से कम। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी या राजनेता नहीं छू सकता, क्योंकि कब कहां कैसे गंदगी आ जाए और कितना बड़ा ये काम करना है, इसलिए इससे अपने आप को दूर रखा है पुरानी सरकारों ने, ये सच है, कटु सच है। लेकिन अब जब आपने इस मुद्दे को चुना है, छुआ है, तो आम जनता को जैसे आप जागरूक कर रहे हैं उसके साथ साथ वाकई जितनी सरकारी सहभागिता होनी चाहिए वो भी करना पड़ेगा, तभी लगेगा कि हाँ सरकार की मंशा भी ठीक है, दावे भी ठीक है, और फिर जनता की जिम्मेदारी अगर जुर्माने के साथ भी तय करनी पड़े तो करिए, इससे भी कोई रोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया सर्वेश जी आपका, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जरावता आपका, अरविंद भारद्वाज आपका, सुभाष शर्मा साहब आपका भी। तो कुल मिलाकर अभियान सही है, लेकिन दावों की हकीकत कितनी है कैसी है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति उस हद तक सामान्य नहीं है जिस हद तक का दावा किया जा रहा है। नमस्कार।